रवि जैन है। मैंने यूपीएससी 2019 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 9वां स्थान प्राप्त किया है। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था, तो कई बार मेरे से एस्पिरेंट साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी पूछते हैं, तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम के द्वारा मैं उन एस्पिरेंट्स को अपना साइकोलॉजी की जर्नी और स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था और हर बार ही मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी रहा है। 3 मेंस मैंने लिखे हैं इंक्लूडिंग दिस वन, और पिछले बार मेरा अभी तक स्कोर्स तो आया नहीं है। पिछले बार मैंने 283 फर्स्ट अटैम्प्ट में 283 स्कोर किया था एंड सेकेंड अटैम्प्ट में 276। साइकोलॉजी लेने मतलब मैं ये मानता हूँ कि ऑप्शनल चूज़ करने का वन ऑफ द मेन रीज़न होना चाहिए इंटरेस्ट। तो मैंने साइकोलॉजी इसलिए लिया था कि मुझे ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। मेरा बैकग्राउंड अदरवाइज इंजीनियरिंग रहा, मैं इंजीनियर हूँ, 3 साल मैंने जॉब किया है, बट साइकोलॉजी इसलिए लिया था, मुझे लगा था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रीज़न के कारण मैं साइकोलॉजी पढ़ पाऊँगा। साइकोलॉजी के लिए मैंने वाजीराम से कोचिंग की थी, मुकुल पाठक सर वहाँ पे ऑप्शनल पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा नहीं और मुझे लगा था कि सोर्सेज भी कंसोलिडेटेड है नहीं, एटलीस्ट पेपर वन के लिए, तो मुझे लगा था और मेरे जो भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने ऑप्शन लिया था उन्होंने सजेस्ट किया था अगर ऑप्शनल की कोचिंग ले सकते हैं तो ले ले, इसलिए मैंने मुकुल पाठक सर से क्लासेस ली थी और मैंने रिलीजियसली उनके नोट्स को पढ़ा था फॉर पेपर वन। पेपर टू के लिए स्मारक स्वेन पढ़ना होता है, सारे एस्पिरेंट्स वही पढ़ते हैं और फोकस ये होना चाहिए कि जो भी नॉलेज स्मारक स्वेन से मिली है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, एग्जाम्पल्स इन्हांस करें, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते पेपर टू में। तो ये रहा है और बेसिक बुक्स जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ेंगे वो बैरन है, साइकोलॉजी बाय बैरन एंड मॉर्गन एंड किंग और सोंड्रा सिसरेली, ये 3 बुक मैंने फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन में फॉर पेपर वन। मेरे ख्याल से किसी भी ऑप्शन में नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सिलेबस होता है काफ़ी बड़ा होता है और इसमें अनलाइक जीएस हमें बहुत ही स्पेसिफिक और टेक्निकल बातें भी लिखनी होती हैं। तो मेरा फोकस मैंने जब इनिशियल अटेम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो मैंने पूरे 28 टॉपिक्स होते हैं, पेपर वन में 14, पेपर टू में 14, 28 टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे जो कि मैंने शेयर भी किया अपने ब्लॉग पे। ब्लॉग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वो उस पर मैंने नोट्स शेयर किया। नोट्स मैं एग्ज़ाम के टाइम पे जब 5 दिन की छुट्टी मिलती है उसके रिवीजन में बहुत फ़ायदा होता था। जो भी रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज है पेपर वन में, उसको एक जगह कंसोलिडेट कर देता था, रिवीजन में भी आसानी होती थी एंड पेपर टू के भी टॉपिक्स कुछ हम इंटरनेट से भी पढ़ते हैं तो उसको भी लिख देता था कि वहाँ से ईजी रिविज़न हो पाए। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किया था, जैसे क्रैश कोर्स इनिशियल इंटरेस्ट बनाने के लिए फॉलो किया था, क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल है, जॉन ग्रीन वहाँ पे यूट्यूब मतलब उन पे क्लासेस लेते हैं। उसके अलावा विद्या मित्रा करके मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के प्रोग्राम चलते हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी या अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आके लेक्चर लेते हैं, कोई एक टॉपिक 20-25 मिनट में कवर करते हैं, तो इससे जो पहला स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो कवर करा जा सकता है, या उसके अलावा मैंने पर्सनैलिटी के चैप्टर इससे कवर करने की कोशिश की थी। कुछ टॉपिक्स जैसे पर्सनालिटी हो गया या मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ये थोड़े डिफ़िकल्ट है, इसको डिटेल में पढ़ना भी होता है, तो इसके लिए मैं मल्टीपल बुक्स और जैसा मैंने बताया था कि विद्या मित्रा के वीडियोस देखता था पर्सनालिटी के लिए भी और मल्टीपल डिसऑर्डर के लिए भी कुछ वीडियोस मैंने देख रखे हैं, तो उससे एक दो सोर्स से देखते हैं समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए उसके लिए जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको भी लगे उसके लिए एक दो रिसोर्स रख ले, बाकी रिसोर्स को मिनिमाइज़ ही रखना, मिनिमम ही रखना चाहिए। अगर मेरे से पूछा जाता है कि साइकोलॉजी में पॉजिटिव्स क्या हैं, क्यों ये ऑप्शन ले, तो मैं ये मानता हूँ क्योंकि सिलेबस बड़ा है और ये ऑप्शनल में स्कोर भी बहुत लोग नहीं ला सकते हैं, ला पाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ऑप्शनल साइकोलॉजी तभी चुने जब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो इस सब्जेक्ट में, एंड ले लेंगे तो बहुत ईजी भी होता है और स्कोर मेरे हिसाब से ईजी कम इसलिए रहता है कि सब ज़्यादातर एक ही कंटेंट लिखते हैं और एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन ज़्यादा नहीं देते हैं, तो अगर कोई कंटेंट में होल्ड अच्छा बना ले और उसके बाद एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस दे दे, साइकोलॉजिस्ट के नाम लिख दे, थ्योरीज के नाम लिख दे, एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिख दे, तो मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए मेरा मोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहता था कि बुलेट्स पॉइंट्स लिखूँ, पॉइंट में लिखूँ आंसर्स, और कई बार ज़रूरत होती भी थी तो मैं उसको पैराग्राफ मोड पर भी लिखता था। फोकस ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है बॉडी में वो तो ज़रूर लिखें और टू द
स्पेसिफिक लिखे, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ ए थ्योरी लिखी है तो फोकस हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ए थ्योरी लिखना पे होना चाहिए, ना कि क्या थ्योरी बोल रखा है उस साइकोलॉजिस्ट ने, उस पे नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल्स लिखे, अगर कोई बहुत ही अच्छा एग्जांपल है तो वो लिखे। एग्जांपल के लिए जैसे मैं बार बार एग्जांपल पे फोकस कर रहा हूँ, तो जो भी बेसिक बुक्स है जैसे एनसीईआरटी हुई या सौंद्रा सिसरेली बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें एग्जांपल्स अच्छे दिए, वो एग्जांपल्स उठा ले और अपने नोट्स में वो लिख दे। और साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखे, डेफिनेशंस लिखे साइकोलॉजिस्ट ने जो दे रखा है, थोड़े से याद कर ले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एंड वो विथ साइकोलॉजी के नाम, साइकोलॉजिस्ट के नाम पे भी लिखे उसमें। एंड एक्सपेरिमेंट अगर लिख सकते हैं जैसे लर्निंग का है तो बंडूरा स्किनर के नाम लिखे, और बाकी भी जो है वो मेंशंस करे, तो उससे मेरे हिसाब से मार्क इम्प्रूव करा जा सकता है। कई बार पूछते एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कितना समय लग जाता है, क्योंकि पेपर वन में मेरा ये मानना है कि एक सिंगल सोर्स है नहीं, तो मल्टीपल सोर्स से पढ़ना होता है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये कवर करा जा सकता है, जो कि मैं तीन बुक बताया है, बैरन, सिसरेली एंड मॉर्गन एंड किंग। तो जो भी सिलेबस को देखना चाहिए, जो भी टॉपिक है वो जो बेस्ट इन तीनों बुक से दे रखा है उसको आप एक समराइज कर ले और कर ले। तो ये अगर ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से, अगर फर्स्ट टाइम बना रहा है विथ नोट्स, तो 2 से 3 महीने में पेपर वन करा जा सकता है, और 1 से 2 महीने में पेपर टू, क्योंकि वो स्मारक स्वेन से पढ़ना है, उसको सिलेबस भी कम है। अगर पहले पेपर में अच्छे से फोकस कर लिया तो पेपर टू थोड़ा इजी हो जाता है, तो 1 से 2 महीने में टोटल मैं कहूँगा 3 से 5 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड मतलब क्या चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर नोट्स बनाने में कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं डेली मतलब मेरा फोकस हमेशा पढ़ने में ऐसा होता था कि मैं एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ूं, तो जब मैं ऑप्शनल पढ़ता था तो एक टॉपिक अगर ख़त्म करना है तो वो जब तक ख़त्म नहीं होता था तब तक मैं जीएस नहीं स्टार्ट करता था, जनरली यही रहता था। लेकिन एस्पिरेंट्स अपने नीड के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं एक दिन में एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते उनको लगता है कि वो बोर हो गए हैं तो वो मिक्स एंड मैच करते थे। तो जैसे भी आपकी नीड हो उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करने में विश्वास रखता था। मैं एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि साइकोलॉजी ऑप्शनल अगर लेते हैं तो शुरुआत दौर में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे टाइम, नोट्स बना ले, समराइज़ कर ले, सारे टॉपिक्स को पढ़ ले, अच्छे से समझ ले। तो अगर एक बार ये सब हो जाएगा, बैकग्राउंड कवर हो जाएगा, तो बाद में आसानी होती है। मैं भी ऑप्शनल खासकर प्री और मेंस के बीच में ही पढ़ता था और उसके बाकी टाइम नहीं पढ़ता था थोड़े अटेम्प्ट्स के बाद, तो इसलिए ये पॉसिबल हो सका क्योंकि मैंने अपना बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया था, ये मेरा मानना है। और मैंने नोट्स भी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के लिए कवर कर लिए थे, तो रिवीजन भी आसानी से हो जाती थी। बाकी जो भी डिटेल साइकोलॉजी की भी स्ट्रैटेजी है मैंने अपने ब्लॉग में शेयर कर दिया है। मैं ब्लॉग एक बार बता देता हूँ, मेरा ब्लॉग का HTTP एड्रेस है www.ravijainupsc.wordpress.com। मैंने अपने नोट्स भी शेयर कर रखे और जो भी मैंने पढ़ा था, जो भी मेरी जर्नी रही थी पिछले 5 सालों में, मैंने उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को स्टिल डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे को मेल ड्रॉप कर दे, जो कि ईमेल एड्रेस मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंट रहे, आराम से इस ऑप्शनल से भी अच्छा रैंक लाया जा सकता है। पहले भी लेकर आए हैं टॉपर्स और अभी भी टॉपर्स बनेंगे और आगे भी बनते रहेंगे। अच्छा ऑप्शनल है, कॉन्फिडेंट रहिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।